किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जा। कृष्णा गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ भावी रावत और आज बिल्कुल तैयार होके बना रही हूँ क्योंकि वरना मैं लेट हो जाती हूँ। तो अभी 30 ही हो रहे हैं शायद और मैं जा रही हूँ बस आप स्कूल के लिए। तो आप लोगों से मिलते हैं और आज थोड़ा ठंडा वाला मौसम है, धूप कम आया, तो आई नहीं अभी धूप। गाइस सूर्यदेव हो रहे बिल्कुल सफ़ेद हो रखे हैं, अभी धूप इतनी आई नहीं है। तो चलते हैं स्कूल, आपसे मिलेंगे फिर दिन में जब मैं घर आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। 2000 years later गाइज मैं आ चुकी हूँ घर और बहुत पहले आ गई थी, अभी तो 2 बजने वाले हैं शायद, हाँ एक मतलब 2 बजने ही वाले हैं। छुट्टी जैसे कि रोज जल्दी हो रही है तो मैं इसलिए आज भी जल्दी आ गई हूँ। और अब खाते हैं अपना खाना 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 खाना। अंदर काफी ठंडा है, अरे वो धूप है भैया, अंदर इतना ठंडा लग रहा। और आज हमारे खाने में है गात की दाल और चावल। चलो ना, नहीं मैं तो खुद चल रहा अकेले, मम्मी को भी जा रही है। तुझे क्या, मारो थप्पड़। खाना वाना मैंने खा लिया है और आज मैं सो नहीं रही हूँ क्योंकि मैं कर रही हूँ अभी अपना काम, जो फिजिकल का मैंने आपको बताया था ना कि समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, तो वो मैंने कर तो दिया था बट वो बहुत ही कम हो चुका है उसमें, उसका जो कंटेंट है ना, कंटेंट की कमी हो चुकी है उसमें। तो अभी वही सारा और करना पड़ रहा है काम, तो इसीलिए आज सो नहीं रही हूँ। मैंने सोचा पहले काम ही कर लेती हूँ अपना, तो अब काम कर रहे हैं फिर देखते हैं शाम को करते हैं फिर अपनी वर्कआउट। अभी काम कर लेते हैं, आपको मिलते हैं शाम को फिर। Eternity later. मेरा पूरा काम हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 4:30, मेरे को काम करते करते 4:30 बज गए और अब जाते हैं वर्कआउट करने। वर्कआउट करने से पहले कपड़े भी लाने हैं जो छत में रखे हैं। फाइनली काम तो हुआ, वो लग रहा था इतना सारा काम है बट अब हो गया, तो बहुत खुशी है उस काम की। और मेरा भाई अभी तक सो रहा है तो उसे उठाना भी है ताकि वो दूध लेने जाए। हेलो ब्रदर, प्लीज उठिए, मम्मी ने तेरे को ही बोला था थप्पड़ मारूंगी मैं, क्यों जाऊं चुप रहे। कल मैं चल गई थी, उठो और जा। गाइस वर्कआउट करने आ चुके पर भी बहुत ठंडा लग रहा है। तो कल मैंने एक चीज नोटिस करी है कि आजकल जो जैसे शाम में वो थोड़ी लंबी हो चुकी है, मतलब 6 बजे के बाद भी काफ़ी उजाला रहता है, ये मैंने नोटिस किया अब जाके। मुझे बताया मतलब बहुत पहले सो रहा होगा बट मैंने अभी नोटिस किया है, लेट है। गाइस मैं वर्कआउट करके तो बहुत पहले आ चुकी हूँ और अब तो 7:30 बज गया और अब मैं खा रही हूँ अपना खाना। तो आज खाने में मम्मी ने बनाई है, जो दिन में दाल थी ना गात की, तो उस दाल के जो बची हुई दाल होगी उसके बनाए हैं रोटियाँ, मतलब पराठे कह सकते हैं, भड़ी भड़ी पके रोटी कह सकते ऐसी है ये रोटियां। तो खाता गई है अपने लिए, ये देखो इसके अंदर है दाल, इसके अंदर दाल खाते हैं फिर चटनी के साथ। तो गाइस खाना मैंने खा लिया था बहुत पहले और मैं आधा घंटा बाहर घूम के भी आ चुका हूँ, मेरे हाथ ऐसे ठंडे हो चुके हैं ना भाई। मैं बाहर घूमते घूमते ना अपनी वीडियो वो कर रही थी, अब मुझसे फोन भी नहीं चल रहा, इतने ठंडे हो चुके हैं। बस अभी ना हीटर के आगे रखते ताकि थोड़े गर्म तो हो और इनसे कुछ कर सके, क्योंकि जब ठंडे होते हैं ना तो कुछ भी नहीं कर पाते, ऐसा ऐसा भी नहीं हो रहा भयंकर, बहुत ठंडे हो चुके हैं। हो चुका है नाराज, इसने मुंह मोड़ लिया है मुझसे, मुंह मोड़ लिया मुझे, अब गर्मी नहीं दे रहा है। अरे वही नाराज आ गया वापस आ गया अभी देखो क्या झटके लग रहे हैं बस अभी अपने हाथ गर्म करते हैं भाई। और आज ना जब से मैं घर आई हूँ तब से मैंने ये चुटिया खोली ही नहीं है, मतलब ऐसी ये बंदी भी है। मैं जब घर आ जाती थी ना तो उसके बाद में फिर इन ऐसी रह देती थी, मैं खोल देती थी जब मैं सोने जाती थी क्योंकि चुटियों में मुझसे सोया नहीं जाता था, और आज मैं सोई नहीं इसलिए मैंने ना चुटिया खोली, तो ये ऐसी बंदी भी है अभी तक। और बस अब जाऊंगी जब सोने तब खोलूंगी चुटियों को। और यहाँ पे मेरी मम्मी क्या देख फेसबुक देख रही है, देखते रहिए मेरे चैनल और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद, शुभ रात्रि, राधे राधे। अलबेली सरकार कर दो कर दो।